जो भी किया है बहुत गलत किया है मेरे साथ, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, उन्हें भी फांसी पे चढ़ाई जाए। मम्मी पापा ने मेरे मिलकर मारा है। वजह क्या हुआ है कि आपके मम्मी पापा आपके ही सुहाग को मतलब कि उजाड़ दिया है? मेरे पास यहाँ तक ये सबूत है, मेरे मामा ने मेरे पापा जी के पास फोन किया, उसने ये तक कह दिया कि देख लिया ना मेरा पावर, उन्होंने ऐसा बोला। उसके 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे धमकी दी कि तू दीपावली अच्छे से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा हुआ था उसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं रखी ना? है रिकॉर्डिंग उसका है। अच्छा उसका रिकॉर्डिंग है ना। अगर अभी हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और आपको फ्रेम में एक लड़की नजर आ रही होगी, ये लड़की जो कि हरियाणा के है और ये अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और पूरा घटना कैसे कैसे क्या हुआ इनके साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये जो लड़की को आप देख रहे हैं मात्र शादी के 6 महीना बाद ये जो कि विधवा हो गई है, और विधवा होने का जो कि इन लोग का शादी भी लव मैरिज शादी हुआ था, तो चलिए पूरा जानकारी हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे 6 महीना के बाद इनके साथ एक घटना हो गई है और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? पारो। अभी आपके साथ कैसे क्या हो गया है? मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है जो कि हरियाणा तड़ावड़ी में रहते थे, वहाँ पे डेथ मेरे मम्मी पापा ने करवाया, मतलब उनको मम्मी पापा ने मेरे मिलकर मारा है। वजह क्या हुआ है कि आपके मम्मी पापा आपके ही सुहाग को मतलब कि उजाड़ दिया है? प्यार। शादी कर ली, मम्मी पापा को पता चल गया था, मम्मी पापा ने कहा कि तुम दोनों की ऐसी मर्जी तो हम तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। तो इनके मेरे मतलब ससुर जी के पास मेरी मम्मी मेरे पापा ने फोन किया, तो मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारा लड़का ने ऐसा ऐसा कर दिया है, मतलब फिर उन्होंने कहा कि 2-4 थप्पड़ मार के भगा दो, तो उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो मेरी लड़की को साथ लेके जाएगा। बताइए आपके मम्मी पापा जब वीडियो बनवाए तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? वहाँ पे मैं थी, वो थे, मम्मी थी और मेरे चाचा थे और मेरे पापा जी थे। इतना लोग थे ना? खुशी खुशी मतलब सब कुछ विदा कर दिए। उसके बाद से जब आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद से आपके मम्मी पापा से कैसे बात होता था? मान लीजिए होता है ना कि थोड़ा नाराजगी टाइप का बात होता है, थोड़ा मतलब कि दुखी टाइप का, कि प्यार से कैसे बात होता था? धमकी से, जब भी मतलब वो फोन करते थे धमकी देते थे, वो कर देंगे। कौन धमकी देते थे? मेरा मामा हमको धमकी देता था कि हम तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि मम्मी पापा ने 1.5 लाख रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा। किनको? आपके मम्मी पापा ने किनको पैसा दिए थे? मनीष सिंह मेरा। अच्छा, आपके मामा को आपके मम्मी पापा मतलब पैसा दिए थे 1.5 लाख रुपया? हाँ। कि मतलब कि आपके पति को मतलब मरवा दिया जाए? हम दोनों को। तो जब आपके हस्बैंड यहाँ से गए वहाँ पर, जब आपके मम्मी पापा बुलाए, ठीक कौन बुलाए वहाँ पर दिल्ली में? ठेकेदार ने। तो आपके आपको भी नहीं बुलाए वहाँ पर? नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाए ना? तो क्या मतलब आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा हैं ने ये पूरा काम करवाया है? हाँ, पूरा कंफर्म, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं करवाया होता तो कोई गम होता है दामाद के मरने पे। हाँ, वो मरा है, मैं अपनी बेटी को एक बार जाके देख लूँ वो कैसी है, ठीक है या नहीं ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब कि ऊपर से मेरे पापा ने उल्टा पार्टी मनाया। मैंने उनके पास फोन भी किया कि आपको कोई गम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो पापा ने कहा मुझे क्यों होगा। तो मैंने कहा वो आपकी दामाद थी, तो उन्होंने कहा वो मेरा कुछ नहीं था। तो मैंने उनको कहा भी कि मतलब आप लोगों ने ऐसा किया है, तो उन लोगों ने कहा हमने ऐसा साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसा किया नहीं है। और हमने पूछा भी कि तो अब खुद तो करेंगे नहीं ऐसा, आप लोगों का ही इसमें हाथ होगा। तो उन्होंने कहा उसने तेरी वजह से किया है। उनका कहना, आपके मम्मी पापा का क्या कहना है, मतलब कैसे क्या है, मतलब आपके हस्बैंड का देखना है? मेरे मम्मी पापा का कहना ये है कि उसने खुद से किया है। खुद से किया है ना? हाँ, खुद से मतलब। लेकिन आप जब बॉडी को देखी तो आपको क्या लग रहा था? वो पहला नंबर तो कुछ ऐसा खुद से करेंगे नहीं, और दूसरी बात ये है कि मतलब उनके पैरों पे जल छिलने का निशान था, नाखून के भी निशान थे, वो तो नहीं आएगा ना। मतलब आप बताया जा रहा है कि अपने कोई गमछी से लगा लगता है, परना से कोई, और उसमें कोई ऐसा
नियम भी नहीं था कि जिसे वो फांसी लगा सके। अच्छा, उनके दोस्त कौन कौन थे, जो आपके हस्बैंड के दोस्त कौन कौन थे, वहाँ पर कौन कौन रहते? वहाँ के दोस्त मुझे पता नहीं, उन्होंने बस इतना कहा था कि मेरे चार पांच दोस्त नए नए आ रहे हैं, दो तीन दिन पहले ही बने हैं। दो तीन दिन पहले बने हैं ना? हाँ, मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की बट उन्होंने बताया नहीं मुझे कुछ ऐसा। क्या आपको लगता है कि वो दोस्त भी शामिल हो सकते हैं उस घटना में? हाँ, उस घटना में वो भी शामिल हैं। जो घटना में, मतलब जैसे जिस रूम में हुआ था आपके पति के साथ वो जो क्राइम हुआ था, उस रूम में कौन कौन रहते हैं? और उस रूम में वो अकेले रहते थे। अकेले रहते थे ना? दोस्तों देख सकते हैं पूरी जो कि इनकी समस्या सुन ली है और कैसे कैसे क्या हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके यहाँ के थाने का कार्रवाई नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा लास्ट में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ के पुलिस वाले मतलब पैसों पे बिक जाते हैं, उनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर उनको कुछ करना ही होता तो उन्होंने घर में मतलब कुछ ना कुछ देखा होता ना, घर की छानबीन सब की होती, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कुछ भी नहीं किया वहाँ। और यहाँ के उत्तर प्रदेश, यहाँ के पुलिस आपको क्या सपोर्ट कर रही है? योगी जी के पुलिस क्या सपोर्ट किया आपके ससुर को, आपके सास को, मतलब कि आपके पति के डेट होने के बाद क्या सपोर्ट किया? आपके घर पे पुलिस वुलिस आई है कि नहीं? अभी आई थी, वीडियो बना करके लेकर गई, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, चलिए ठीक है। और जाते जाते क्या कहिएगा, अपने मम्मी पापा को क्या कहिएगा? मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, उन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है मेरे साथ, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। उन्हें भी, मम्मी पापा को ना, उनके साथ जो जो मिले हुए उन सबको। देख सकते हैं दोस्तों, तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और दूर दूर तक पहुंचाइए, और इतना शेयर करिए कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच जाए वीडियो, और इस परिवार, आपके मम्मी पापा को ना, उनके साथ जो जो मिले हुए उन सबको। देख सकते हैं दोस्तों, तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और दूर दूर तक पहुंचाइए, और इतना शेयर करिए कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच जाए वीडियो, और इस परिवार, इस गरीब परिवार का जो कि मतलब कि न्याय मिले। आप देख सकते हैं पीछे में एक बार घर दिखा दीजिए, देख लीजिए, यही टूटा फूटा इन लोग का घर है, और बहुत गरीब परिवार से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं। और आज इस लड़की का बदनसीबी कहिए कि क्या कहिए, कि खुद इनके जो कि मम्मी पापा ने इनका शादी करवाया, वो भी खुशी मन से, वो भी अपने पास रखे, और आते वक्त वीडियो भी बनवाए इनको ट्रेन में, और फिर 6 महीने के बाद इनके मम्मी पापा ने, जैसा ये लड़की बोल रही है, इनके मम्मी पापा ने इनको मतलब कि 18-19 साल के उम्र में खुद विधवा कर दिए। तो आप इस वीडियो को कितना मतलब कि बुरा समझ रहे हैं, आप लोग शेयर करिए और कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिले, हमारा इतना ही प्रयास रहेगा। बाकी आप वीडियो देख रहे थे टार्जन 24 न्यूज से, मैं हूँ प्रेम सागर सिंह, धन्यवाद।